Hello students, how are you? Students, we have started our topic models. And in my previous videos, we have completed 6 models that were may, might, can, could, will, would. I hope you have understood. And today we will do next models. And the first one is shall. Shall is used in first person to show simple present, simple future tense. ये जो है future tense में use होता है, simple future tense को show करने के लिए shall use करते हैं. और ये हम किस के लिए use करते हैं? Offers, किसी को हमने offer देना है किसी बात के लिए, suggestion, सलाह देने के लिए, threat, धमकी देने के लिए, ठीक है. और negative form में हम shall not use करते हैं. For suggestion, किसी को सजेशन देना है तो शैल आई सेंड द कार फॉर वॉशिंग, कि क्या जो है मैं आपकी गाड़ी, क्या जो मैं हूँ गाड़ी जो हूँ वो धोने के लिए भेजूँ. मतलब किसी को सजेशन दी गई है ना. ऑफर, शैल आई कैरी द बॉक्स फॉर यू, कि क्या मैं आपके लिए ये बॉक्स जो है वो उठा लूँ. तो मतलब ये जो है किसके लिए यूज़ हुआ है? सजेशन एंड ऑफर के लिए. नेक्स्ट है थ्रेट होता है धमकी दी जानी किसी को. धमकी दी गई है क्या है कि आई शैल पे डियरली फॉर दिस, यू शैल, सॉरी. तो धमकी दी गई है कि तुमने जो मेरे साथ किया है ना उसके लिए तुम्हें जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. तो किसी को धमकाया गया है, ठीक है. और ये फ्यूचर टेंस में यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है नेगेटिव फॉर्म में हमने कैसे बनाना इसे. आई शैल नॉट लेट देम बॉदर यू, कि मैं जो हूँ उन्हें तुम्हें सताने नहीं दूंगा, तंग नहीं करने दूंगा. तो फ्यूचर टेंस में यूज़ हुआ है. फ्यूचर में बात बताने के लिए हम शैल यूज़ करते हैं. और ज़्यादातर बच्चों क्या होता है कि हम जो शैल जो है ना वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ होता है. लीगल कानूनी डॉक्यूमेंट्स में भी वो यूज़ होते हैं, मोस्टली लीगल डॉक्यूमेंट. देखिए मैंशन भी किया हुआ इन्होंने कि जो है नाउ डेज इन दिनों शैल इज यूज मोस्टली लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मल स्पीच. फॉर्मल जब बातें करते हैं तब भी हम शैल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है शुड. तो जैसे हमने किया था वुड, कि जो विल है, विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है और शैल का पास्ट जो होता है वो शुड होता है. वैसे तो हम देखो अगर कई बार हम सेंस निकालेंगे ना तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, चाहिए मतलब. तो क्या है, ये शैल का पास्ट है. और किस कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, जब हम रिकमेंडेशन, किसी की सिफारिश करनी हो, एडवाइस देना हो, फ्यूचर में सिचुएशन को बताना हो, एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन, मतलब कि हमें जो है जब हम अपने कर्तव्य के बारे में बात करना चाहते हैं तब हम शुड यूज़ करते हैं, ठीक है. एडवाइस, जैसे कहते हैं यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, तुम्हें जो है सुबह की सैर करनी चाहिए. तो एडवाइस दी गई है. यू शुड अवॉइड बैड कंपनी, कि तुम्हें जो शुड से भी लगा सकते कि तुम्हें जो है बैड कंपनी, बुरी संगत से बचना चाहिए, ठीक है. तो वहाँ पर हम क्या देते हैं, जब किसी को एडवाइस देनी हो तो हम जो है शुड यूज़ कर देते हैं. नेक्स्ट है फ्यूचर में कोई सिचुएशन हो तब हम राइट करते हैं जेनी शुड बी हेयर एनी टाइम नाउ, कि जेनी जो है वो किसी भी समय यहाँ पर आ जाएगी. ऑब्लिगेशन, कर्तव्य के लिए, नैत कर्तव्य, जब वी शुड रीच द लाइब्रेरी बाय 9 AM, कि तो क्या है ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमें जो है लाइब्रेरी में 9 बजे पहुँच जाना चाहिए. नेक्स्ट है जब नेगेटिव फॉर्म में, यू शुड नॉट वॉक बेयर फूट ऑन द रोड, कि तुम्हें जो है एडवाइस भी आ गया और नेगेटिव फॉर्म में भी आ गया कि तुम्हें जो है बेयर नंगे पांव जो है रोड पर नहीं चलना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज मस्ट. मस्ट इज यूज एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्यों के लिए. कंपल्शन, नेसेसिटी, ज़रूरत का जहाँ पर हो ज़्यादा वहाँ पर यूज़ करते हैं, ज़रूरी किसी को समझाना अच्छे तरीके से. डिडक्शन और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, कि मतलब किसी भी हमने जो है किसी रिकमेंडेशन, बहुत ज़्यादा सिफारिश करनी हो किसी की अच्छी बुरे जोर, मतलब किसी बात के लिए हमें उसे जो है कंपेल करना है तो वहाँ पर भी हम मस्ट यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी मस्ट मेंटेन द स्पीड लिमिट, कि हमें जो है स्पीड लिमिट मेंटेन रखनी चाहिए. तो ये क्या है, हमारा कर्तव्य है. फ्रेश एयर इज़ मस्ट फॉर अस टू स्टे हेल्दी, कि जो ताज़ी फ्रेश एयर होती है वो हमें स्वस्थ रखती है, मतलब हमें वही, उसी से हम क्या रहते हैं,
स्वस्थ रहते हैं, हमारे लिए अच्छी होती है वो। इट्स नॉट लास्ट नाइट ऑल द रोज मस्ट बी इनएक्सेसिबल टूडे, मतलब रात जो है काफ़ी स्नो हुई थी तो इसीलिए जो क्या है वो क्या है सारे के सारे इनसेसिबल टूडे, मतलब रोड जो है वो ख़राब हो गए हैं थोड़े से, मतलब ख़तरनाक हो गए हैं। चिल्ड्रन मस्ट गो आउट टू प्ले एवरी डे, तो मतलब बच्चों को डेली शाम को खेलने के लिए जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिकली शॉक्ड, कि तुम्हें जो है इलेक्ट्रिकली मतलब शॉक जो है वो टच नहीं करने चाहिए। तो ये क्या है, हमने मस्ट, आपको पता लग गया कि मस्ट हमने कहाँ पर यूज़ करना है। नेक्स्ट है ओ टू, देखो बेटा शुड मस्ट ओ टू, ये तीनों ही मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होते हैं। किसी को एडवाइस देनी हो तब भी वही, जैसे सेम वही आगे ड्यूटी मॉरल नैतिक कर्तव्य आ गया ना, ठीक है नैतिक, वही ओ टू हेल्प द पुअर पीपल, कि हमें जो है गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। मॉरल ड्यूटी, यू ओ टू ओबे यूर पेरेंट्स, तुम्हें जो है अपने माता पिता के जो है ओबे आदर करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। यू ओ टू विजिट अ डॉक्टर राइट अवे, एडवाइस दी गई है कि तुम्हें इसी समय जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है यूज टू, यूज टू जो होता है बेटा ये क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, पास्ट हमारी हैबिट को जब हम शो करते हैं ना अपनी हैबिट की, पास्ट की हैबिट होती है तब हम यूज टू यूज़ करते हैं, ठीक है। माई ग्रैंड फादर यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे, मतलब उनकी हैबिट थी, पुरानी हैबिट थी मेरे दादाजी की जो थी, कि वो रोज़ सुबह जो थे वो वॉक के लिए जाया करते थे। डिड शी यूज टू गेट अप अर्ली, और यूज़ जो है देखो यहाँ पर डिड लग गया तो यहाँ पर हमने यूज़ लगा दिया, क्योंकि क्योंकि ये क्या आ गया डिड क्वेश्चन के साथ आ गया ना, इसीलिए डिड लगा दिया। तो हमने फर्स्ट जो सेकंड फॉर्म है हमारी ऑलरेडी पहले लगी और यूज़ जो है हमारे सेकंड फर्स्ट फॉर्म हो गए। डिड शी यूज़ टू गेट अप अर्ली, कि क्या वो जो थी मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि वो सुबह जल्दी उठा करती थी। डिडंट देयर यूज़ टू बी ए मैंगो ट्री हियर, कि यहाँ पर एक मैंगो ट्री नहीं हो मतलब नहीं हो होगा पहले, उस समय की बात है, तो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई पहले मैंगो ट्री था। तो सो स्टूडेंट दीज आर द मॉरल्स, आई होप यू हैव लर्नड इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।